से मिलिए, ये हैं हैदर अब्बास। पाड़ा चनार जिला करम के गांव आगरा के रिहायशी इस नौजवान ने बगैर टांगों के जिंदगी की गाड़ी को पूरी रफ्तार से रवां रखा हुआ है। माजूरी को मजबूरी कभी ना बनने दें। हैदर अब्बास बातों से नहीं अपने अमल से खुदी का ये दर्स दे रहा है। टांगे नहीं तो क्या हुआ, हाथ तो सलामत हैं। गाड़ी के क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर पर लकड़ी के डंडे से भी हुक्म चलाया जा सकता है। पहाड़ी इलाके के बासी इस नौजवान का हौसला तो चट्टान है। पत्थरीले रास्तों और ढलवानों पर बगैर पांव के यूं चलता है कि छोटे मोटे एथलीट तो रश्क करते हैं। और गहरे पानियों पर तैराकी हो या गोताखोरी, ये काम भी टांगों की नेमत से महरूम नौजवान के बाएं हाथ का खेल ठहरे। बात हो पहाड़ सर करने की, तो ये बुलंद हौसले का मालिक पहाड़ों की चोटियों तक यूं पहुंचता है कि अकल दंग रह जाती है। चट्टानों सा हौसला लिए जब ये नौजवान पहाड़ों का रुख करता है तो 13,000 फिट की बुलंदी पर बाइकिंग करते हुए पहुंच जाता है। और यूं बुलंद तो बाला पहाड़ भी इसके हौसले के आगे बहुत छोटे दिखने लगते हैं। अपनी और ख़ानदान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गाड़ी चलाना पेशा और मजबूरी, लेकिन हैदर अब्बास के ख्वाब बहुत बड़े हैं। तभी तो मुश्किल माली हालात के बावजूद FSC के बाद भी तालीम का सिलसिला रुकने नहीं दिया। दूरदराज इलाके में कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रह जाए, हैदर अब्बास इसी बेलोस जज्बे के तहत अपनी तालीम के साथ साथ दूसरों में भी इल्म के मोती बाँट रहा है। इस नौजवान का सबके लिए एक ही पैगाम है, हिम्मत है तो कर पैदा फिरदौसे बरी अपना, मांगी हुई जन्नत से दोजख का अजाब अच्छा।
ये मेरे साथ जो बच्चा बैठा है, हैदर अब्बास इसका नाम है और आगरा से ताल्लुक रखता है। क्लास फिफ्थ के लिए हमारे स्कूल आया। जब मैंने इसका एडमिशन टेस्ट लिया तो मैं इससे बहुत ज़्यादा मुतमईन हो गया, क्योंकि जब मैंने इसका हौसला देखा तो इसका हौसला बहुत बुलंद था और टेस्ट भी अच्छा दिया, तो मैंने इसको स्कूल में एडमिशन दे दिया। और फिर जब हमने इसको क्लास में देखा तो बच्चों के साथ इसका जो ताल्लुक था थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हौसला अफजा था। बल्कि अगर हमने जो भी प्रोग्राम अरेंज किया तो इसने भरपूर हिस्सा लिया। मसलन 14 अगस्त या कोई और प्रोग्राम होता तो इसने ज़बरदस्त कारगर्दगी दिखाई, और फिर 9-10 तक इसकी कारगर्दगी बेहतरीन रही। इसके साथ साथ ओबीडियंट हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ इसने कभी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, बल्कि हर दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन इससे बहुत खुश रहा। हालांकि ये एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता है और इसके अब्बू गाड़ी चलाया करते हैं, लेकिन इसने कभी गुर्बत को अपना मसला नहीं बनाया। ये सारी इसके हौसले की बात है, और इस हौसले की वजह से इसने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास किया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और आजकल बीएस कर रहा है और 2 सेमेस्टर बाकी हैं। मेरा नाम प्रोफेसर असगर हुसैन है और मैं इस स्कूल में बतौर एमडी काम करता हूँ, और मेरे साथ जो बैठा है इसका नाम हैदर अब्बास है। मुझसे पहले प्रिंसिपल साहब ने इसके बारे में बात की। ये जब अपने गांव में था और 4th क्लास से पास होकर यहाँ आया, इसकी माजूरी और कारगर्दगी को देखकर हमने ज़रूरी समझा कि इसको एडमिशन दें। इसमें ऐसी काबिलियत और सलाहियत थी कि इसने कभी ख़ुद को माजूर समझा ही नहीं, और ना ही ये सोचा कि मैं ये नहीं कर सकता। लिखाई हो या तकरीर, और बातों का सलीका बेहतरीन अंदाज से करता आ रहा है और अपनी क्लास में भी अच्छा जा रहा था, इसलिए हम इसको अप्रिशिएट करते रहे। और अल्लाह की मेहरबानी है कि मैट्रिक तो पास कर दी और बीएस कर रहा है, और अब 2 सेमेस्टर रहते हैं। इसलिए हमारी दुआएं हैं कि खुदावंदे आलम इसको इधर भी सुरखुरू रखे और इसका मुस्तकबिल भी बहुत रोशन हो, क्योंकि इसने इस हालत में ख़ुद को इस तरह आगे निकाला कि ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए बेहतरीन सपोर्ट बना। अल्लाह रब्बे करीम इसको कामयाब करे। हमारी दुआएं इसके साथ हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Dear weavers, today I'm with Mr. Hayder Abbas, belonging Agra Parachinar Upper District. As we have observed, many people in the world who have struggled for their life, who have struggled not only for oneself, but they have served, they have struggled in order to serve other community. As we are in Pakistan, and there are so many people who are lazy boons, low coaches, though Almighty Allah has blessed them with each and everything. Today, as we are observing Mr. Hayder Abbas, who is a BS student. In fact, he graduated from the brilliant group of colleges Parachinar. He did his FSC with brilliant and excellent score. He participated in each and everything regarding to the brilliant group of colleges. Once we traveled to Murray as well as to Kashmir Valley, where we spent many hours, and Mr. Hayder Abbas, who really enjoyed, I would say that he enjoyed more than people who are very able, who are with their hands and legs. But though, as we see that Mr. Hayder Abbas, who is not in fact a disabled, but unluckily his legs are not functioning, his legs are not as able as normal human being. Today I would just like to appreciate Mr. Hayder Abbas that he did his schooling, his college, and now he is doing his BS with excellent and with pomp and show. He is regularly